दोस्तों, पीएम बनने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ये बात बीजेपी से बेहतर आज कोई नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि उन्हें खुद के दम पर मेजोरिटी नहीं मिली। यूपी में सरकार होने के बावजूद बीजेपी यहां केवल 33 सीट जीत पाई, जबकि समाजवादी पार्टी 37, कांग्रेस ने 6, आरएलडी ने 2, आजाद समाज पार्टी ने 1 और अपना दल ने 1 सीट जीती। चलिए देखते हैं किस पार्टी ने कौन सी सीट जीती। बीजेपी ने मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फरुखाबाद, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, अकबरपुर, झांसी, बहराइच, कैसरगंज, गोंडा, डुमरियागंज, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, बंसगांव, देवरिया, भदोही, फूलपुर और बनारस जीता है। समाजवादी पार्टी ने कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, आंवला, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, जलौन, हमीरपुर, खेरी, धरौरा, मोहनलालगंज, फतेहपुर, बांदा, कौसाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बस्ती, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, लालगंज, मछलीशहर, आजमगढ़, घोसी, सलीमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और रॉबर्ट्सगंज जीता है। कांग्रेस ने सहारनपुर, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी और इलाहाबाद की सीट अपने नाम की है। वहीं पे आरएलडी ने बिजनौर और बागपत, आजाद समाज पार्टी ने नगीना और अपना दल ने मिर्जापुर की सीट जीती। थैंक यू।